हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। महाबलेश्वर में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। मार्केट एरिया में भी बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन हम लोग ने मार्केट में होटल्स नहीं लिया था और ये थोड़ा अंदर के होटल्स है और ये थोड़ा विलेज एरिया में है और यहाँ पर बहुत सुकून है। और ये होटल का नाम है ट्रेंड्स होटल और ये रिजनेबल रेट का है। होटल के प्राइस और लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। होटल के प्राइस रिजनेबल होने के साथ यहाँ पर खाना भी अच्छे ही मिलते हैं और आपको जो भी चाहिए आप ऑर्डर देके यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर कुक है, आपको अगर लोकल फूड खाना है महाराष्ट्रियन तो आप यहाँ पर ऑर्डर देके भी खा सकते हो। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह रेडी होके ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल रहे हैं महाबलेश्वर के जो टूरिस्ट पॉइंट है वो देखने के लिए। बहुत सारे रिजॉर्ट्स है ये रोड पर और ये मेन रोड से थोड़ा अंदर है। हम लोगों का होटल भी यही एरिया में है, गांव के अंदर। बहुत अच्छा एरिया है और एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा ठंडी भी है, हवा आ रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर। महाबलेश्वर जाने का बेस्ट टाइम है नवंबर से फरवरी और ये टाइम में आपको बहुत ठंडी भी मिलेगा। वहाँ पर मुंबई पुणे सिटी से थोड़ा दूर महाबलेश्वर में आप ठंडी का मजा लेने के लिए जा सकते हो। हालांकि कुछ लोगों को बारिश के सीजन में भी महाबलेश्वर जाना पसंद होता है, लेकिन तभी आपको व्यूज इतने अच्छे नहीं दिखते हैं क्लाउड्स की वजह से। सिर का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये फेमस पॉइंट है केज पॉइंट। तो केज पॉइंट तक हम लोग जा रहे हैं और मेरे होटल से बहुत नज़दीकी है ये। थोड़ा सा आके एक टर्न लिया तो मैंने आपको रोड दिखा दिया है। तो यहाँ से हम लोग अभी केज पॉइंट तक जा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ महाबलेश्वर के बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो पॉइंट है केज पॉइंट, एलिफेंट हेड्स पॉइंट और इको पॉइंट। आप अगर पर्सनल कार या बाइक से जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, टूरिस्ट पॉइंट घूमने के लिए आपको बहुत इजी होगा। अगर आप पर्सनल कार नहीं लेके जा सकते हो तो आप वहाँ पर टैक्सी रेंट पर भी ले सकते हो। ये है केज पॉइंट। यहाँ पर और दो पॉइंट है, वो है इको पॉइंट और एलिफेंट हेड पॉइंट। एलिफेंट हेड पॉइंट को निडल होल पॉइंट भी बोला जाता है। ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैकलोम्स के डॉटर के नाम थे केट्स और उनके नाम पर ही ये पॉइंट का नाम रखा गया है। केट्स पॉइंट का हाइट है ग्राउंड लेवल से 1290 मीटर। केट्स पॉइंट से आप बहुत सुंदर व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आपको धूम डैम का व्यू भी मिलेगा। केट्स पॉइंट से आपको तीन पीक पॉइंट भी दिखेगा जो है कमलगढ़, पंडागढ़ और मंदिर देव। और ये है इको पॉइंट। इको पॉइंट केज पॉइंट के बिल्कुल नजदीक ही है और इको पॉइंट से आप अगर चिल्लाओगे तो आवाज बहुत इको होता है। और यहाँ पर लोग ट्राई भी कर रहे थे लेकिन मेरा आवाज खराब था इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर ऐसे घूमते हुए आपको दिखाई देगा और एक बोर्ड पर लिखा हुआ है स्टॉप फीडिंग मंकीज। उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे खाना अवेलेबल है जंगल में, लेकिन लोग बंदर को खाना दे रहे थे। और आप अगर यहाँ पर जाओ तो बंदर को खाना मत दो क्योंकि उन लोगों के लिए खाना अवेलेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ थ्री डेट का जो तीन सीट है वो सब भी यहाँ पर लगा के रखा है, लेकिन इन लोगों को पे करना पड़ता है तो ही आपको यहाँ पर फोटोग्राफी करने देगा। और गोलमाल के जो लंबा बाइक था वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर भी आप फोटो निकाल सकते हो लेकिन पैसे दे के। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग केज पॉइंट देख लिया है, इको पॉइंट देख लिया है और दोनों पॉइंट एक सामने सामने ही है। वो साइड इको पॉइंट है और ये साइड है केज पॉइंट। इको पॉइंट से आप चिल्लाओगे तो इको आता है और
व्यूज़ तो लाजवाब है, आपने देख ही लिया है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं महाबलेश्वर में, तो आज हम लोग सब विजिट करेंगे जितना पॉसिबल होगा, और मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर एक कैफ़े भी है और यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स भी मिलेगा आपको खाने के लिए, और कुछ लोकल वेंडर्स भी है जो फ्रूट्स भी सेल कर रहे थे यहाँ पर। लेडीज लोग भी, जो टेबल है वहाँ से चढ़ के बैठने के लिए आएगा आपको। क्या नाम है इसका? व्हाट्सएप है। फोटो के लिए फेमस घोड़ा है ना, जंपिंग फोटो के लिए, दो पैर पे खड़ा रहता है। हाँ, जंपिंग करता है। उसका भी 200 चार्ज लेते हैं अलग से। अलग से ये देखो, ऐसा आता आपका मोबाइल में फोटो वीडियो बना के देते दीदी। ओके, ऐसा सिखाया हुआ है घोड़े को। तो यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकते हो। ऐसे यहाँ पर और एक पॉइंट है आगे जाके, तो हर तरफ पॉइंट ही पॉइंट है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जगह है। यहाँ पर एक नेचुरल रॉक का ऐसा ही शेप दिख रहा है जैसा एक एलिफेंट का हेड और ट्रंक रहता है, और उसके वजह से ये पॉइंट का नाम हो गया है एलिफेंट हेड पॉइंट। और ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक होल भी दिखता है दो रॉक के बीच में, तो इसलिए कोई कोई लोग इसको निडल होल पॉइंट भी बोलते हैं। आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में महाबलेश्वर का और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।